शिकायतों के निस्तारण में हर बार जिले को भले ही अव्वल कर दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत काफी परे है। आपको बता दें कि शिकायत निस्तारण में फरियादियों को बार बार कलेक्ट्रेट और विभागीय अधिकारियों के चक्कर लगाना पड़ता है, चाहे वह राजस्व विभाग की शिकायत हो या पुलिस विभाग की, या फिर अन्य किसी विवाद की शिकायत हो या फिर कोई समस्यात्मक शिकायत। सभी शिकायतों के लिए सैकड़ों बार फरियादियों को अपने पैसे खर्च कर कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाना पड़ता है। शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजों पर किया जाता है। या बातें हम नहीं कह रहे हैं, या बातें कह रहे हैं फरियादी। फरियादियों का कहना है कि कई बार की शिकायत के बावजूद जब निस्तारण की रिपोर्ट आती है तो वह रिपोर्ट फर्जी हो जाती है और हम सब शिकायत से संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके बाद भी हम सबको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। शिकायत निस्तारण को लेकर न्यूज 18 लोकल ने जब फरियादियों से बातचीत की तो हकीकत काफ़ी परे मिली। विभाग की लापरवाही कहें या जिम्मेदारों की उदासीनता, लेकिन बात सोलाने सच है। कलेक्ट्रेट में फरियादियों को शिकायत निस्तारण को लेकर जमकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। फरियादियों ने न्यूज 18 लोकल से बातचीत में बताया कि अलग अलग विभाग की शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहती है और उनका समय से निस्तारण नहीं होता। अधिकारियों द्वारा बार बार दौड़ाया जाता है, जिससे फरियादियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और उनके पैसे भी खर्च होते हैं। जनता एप्लीकेशन दे देती है, कोई भी निस्तारण नहीं होता है। मनमानी ढंग से अधिकारी लोग अपनी रिपोर्ट लगा करके प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर देते हैं। बहुत परेशान है। कौन कौन सी विभाग की शिकायतें ज़्यादातर लंबित रहती हैं? इसमें राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग, सबसे ज़्यादा समस्या नहर से। नहर में पहली बात तो इस समय पानी की डिमांड हम लोगों ने किया था, पानी नहीं दिया जा रहा है। एक बार तेल की तरह आया, उसके बाद बंद हो गई है, पानी हो गए हैं। शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं होता है? शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं होता है, होता ही नहीं। ठीक, क्या कुछ है? मेरा नाम चंद्रजीत यादव है। शिकायत को लेकर काफी बड़ी समस्या लोगों के साथ रहती है। लोग IRS पे ऑनलाइन शिकायत देते हैं, DM साहब को देते हैं, हर जगह शिकायत करते हैं, लेकिन उसका निस्तारण जब निकल के आता है, एक महीने में उसका निस्तारण होता है। निस्तारण होने पे रिपोर्ट जो है, अधिकतर फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है, उससे जनता जो है रुष्ट होकर बार बार करती है, लेकिन बार बार उसको न्याय नहीं मिल पाता। निस्तारण में लेकर बहुत सारी समस्याएं लोगों के पास खड़ी हुई हैं। उनका निस्तारण समय से हो ही नहीं पाता, बल्कि उनके साथ जो है जो न्याय के लिए दौड़ता भटकता है, उसको न्याय न मिलकर उसको बार बार चक्कर काटना पड़ता है। ठीक, हमारा नाम सीतापति है, हम जिला मेथी के रहने वाले हैं। जामो थाना हमारा लगता है, गांव है भगवतपुर एनपुर। हमारे जमीन पर डीडी सिखिया मुकदमा चलत रहा। इन्होंने लाए दे के अपना मेरी जमीन हमारे अपोजिट पार्टी को, इन्होंने उनके नाम कर दिया। कितनी बार आपने शिकायत की और अब क्या स्थिति है? 100 बार किया है, कल भी 10 बार फोन किया है दरोगों को, सिपाही का, दोनों लोग का। जबरदस्ती पार्टी कब्जा कर रही है, घर भी बनवा रही है, तो कुछ नहीं है, जीरो हो गया है। जिला तो नाम का कलंक बन गया है। अधिकारी सुन नहीं रहे, दौड़ दौड़ आओ, डांट के ही भगा देते हैं और कहते हैं आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। हम लोग धान गेहूँ बेच बेच के आते हैं, हम कदमा लड़ने, सुनवाई कोई हो नहीं रही। ठीक, देखिए अभी इस महीने जो पोर्टल पे आ रहा है संदर्भ शिकायतें, वो 38216 38216 शिकायतें प्रेस हो रही हैं, बेहतर संदर्भ नहीं है। हम लोग पूरे माह यही कोशिश करते हैं कि कोई भी शिकायत जो है उस समय के बाहर निस्तारित ना हो। सभी शिकायतों को समय के अंदर निस्तारित किया जाता है। पर मंथ जो है इसकी रैंक जारी होती है। पिछले माह भी हम लोगों का जनपद उत्तर प्रदेश में सेकंड रैंक पर था। इसके अतिरिक्त शिकायतों की गुणवत्ता को ध्यान रखने के लिए हम लोग डेली शिकायतकर्ता से बात भी करते हैं। उनकी शिकायत की आख्या आती है, उनसे पूछते हैं कि आप शिकायत से संतुष्ट हैं या नहीं है। अगर शिकायतकर्ता कहता है कि हम इस आख्या से संतुष्ट नहीं है, तो हम फिर से उस अधिकारी को पुनः जाँच करने हेतु उसको अग्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अलग अलग विभागों को, जैसे जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त SDMs, इनको हम लोग कुछ शिकायतें बहुत सत्यापन करने के लिए भेजते हैं कि वो अपनी पूरी टीम बनाकर जो शिकायतें निस्तारित हो चुकी है पूर्व माह में, उनका फिर से एक बार अवलोकन करें कि ये ठीक से निस्तारित हुई है क्या नहीं।